हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में मैं डिस्कस करूंगा बहुत ही इम्पोर्टेंट कंफ्यूजिंग वर्ड्स, और ये इतने इम्पोर्टेंट कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं कि इनके बेस पर क्वेश्चंस सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो बैंकिंग के एग्जाम्स हों, SSC के एग्जाम्स हों या दूसरे सभी एग्जाम्स हों। और इन कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बेसिस पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो स्पॉटिंग एरर्स के भी हो सकते हैं, फिलअप्स के भी हो सकते हैं, सिनोनिम एंटोनिम्स के भी हो सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कन्फ्यूजिंग वर्ड्स हैं। 10 कन्फ्यूजिंग वर्ड्स मैंने लिए हैं, इनको मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इनको यूज़ करते हैं। पूरा वीडियो क्लास आप एंड तक देखिए, इसको बीच में बिल्कुल भी आप स्किप ना करें। देखिए, एक ये सेट ऑफ वर्ड्स है, लेटर, लेटर एंड लेटर। सबसे पहले मैं इनका उच्चारण आपको बताता हूँ। इसको हम बोलेंगे लेटर, इसको हम बोलेंगे लेटर और इसको हम बोलेंगे लेटर। देखिए, ये जो इनमें डिफरेंस क्या है, ये जो लेटर है इसका मतलब होता है बाद वाला, पोजीशन के लिए ये यूज होता है। और ये जो लेटर है ये होता है समय के रेफरेंस में लेटर, और ये जो लेटर है इसको हम यूज करते हैं पत्र के लिए। ठीक है, इन तीनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, LATER, LATER लेटर का मतलब होता है बाद वाला, पोजीशन के हिसाब से। ठीक है, लेटर का मतलब होता है बाद वाला, समय के हिसाब से, और लेटर का मतलब होता है पत्र। ये तीनों में बेसिक डिफरेंस है। अब मैं आपको इनके एग्जाम्पल सेंटेंसेस के थ्रू आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, यहाँ पर मैंने दो सेंटेंसेस दिए हैं, एक सही है और एक गलत है। देखिए, एक ये सेंटेंस है और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेंटेंस है, CDS एग्जाम में ये सेंटेंस पूछा गया था। आउट ऑफ राम एंड मोहन द लेटर इज अ बैंक मैनेजर। द लेटर मतलब बाद वाला, पोजीशन के हिसाब से बाद वाला, राम और मोहन, पोजीशन किसकी बाद में है, मोहन, तो मोहन क्या है, बैंक मैनेजर है। द लेटर का मतलब है यहां पर बाद वाला व्यक्ति। ठीक है, बाद वाला व्यक्ति या वस्तु, तो लेटर होता है कोई भी बाद वाला। इसके स्थान पर LATER के स्थान पर यदि आप LETER लगाएंगे तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। तो पोजीशन के हिसाब से बाद वाला कोई भी चीज होती है तो उसको हम बोलते हैं लेटर। जैसे लेटर पार्ट ऑफ द मूवी मतलब मूवी का बाद वाला हिस्सा, लेटर पार्ट ऑफ द बुक मतलब बुक का बाद वाला हिस्सा, तो ये होता है लेटर। और LATER लेटर जो होता है वो समय के हिसाब से होता है। अब कुछ और सेंटेंसेस मैं आपको बताता हूं जो कि सही और गलत सेंटेंसेस हैं। देखिए, ही केम लेटर देन मी, ही केम लेटर देन मी, जैसे हम लेट बोलते हैं, वह लेट आया, तो लेट का ही कंपेरेटिव डिग्री जो है ये लेटर है, ही केम लेटर देन मी। ठीक है, तो ये सेंटेंस सही है। अगर इसके स्थान पर आप यहाँ पर लेटर लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें समय के रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं कि वो मेरे बाद आया, ही केम लेटर देन मी, तो इसलिए इसमें हम लगाएंगे LATER और यहाँ पर हम लगाएंगे LATER। ठीक है, LATER यहां पर गलत होगा, LATER यहां पर सही होगा, और यहां पर LATER सही होगा, LETER ये तो पत्र वाला होता है तो ये यहां पर गलत होगा। आई होप आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आया होगा। लेटर LATER लेटर का मतलब होता है बाद वाला, और LATER लेटर मतलब समय के रेफरेंस में हम इसको बोलते हैं। एक सेंटेंस और देखते हैं यहां पर, ही रोट अ लेटर टू मी, तो ये सही है क्योंकि लेटर की स्पेलिंग यही होती है। He wrote a letter to me. ये समय के लिए यूज होता है, comparative degree है, इसलिए ये गलत है। तो आई होप अच्छे तरीके से आपको ये सारे एक्सप्लेनेशन समझ में आए होंगे। देखिए, ये है एक्चुअली लेटर, लेटर का जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो होती है लेटेस्ट। लेटेस्ट हम किसको बोलते हैं, जो समय के हिसाब से सबसे बाद में आया है उसको हम बोलते हैं लेटेस्ट, और जो पोजिशन के हिसाब से सबसे बाद में आया है उसको हम बोलते हैं लास्ट। जैसे रो होता है, एक पंक्ति होती है, पंक्ति में जो सबसे बाद का व्यक्ति होता है उसको हम बोलते हैं लास्ट, लास्ट ऑब्जेक्ट, लास्ट मैन। ठीक है, तो पोजीशन के हिसाब से सबसे बाद में जो व्यक्ति आता है या जो वस्तु आती है उसको हम बोलते हैं लास्ट, और समय के हिसाब से जो सबसे बाद में आता है उसको हम बोलते हैं लेटेस्ट। तो ये हैं इनकी कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। लेटर का सुपरलेटिव डिग्री होगी लेटेस्ट, और लेटर की सुपरलेटिव डिग्री होगी लास्ट। तो इस तरीके से इनको हम यूज करते हैं। लेटेस्ट के स्थान पर लास्ट हम यूज नहीं कर सकते, लास्ट के स्थान पर हम लेटेस्ट नहीं यूज कर सकते। तो इसके बेस पर काफी सारे क्वेश्चंस फिलअप्स में, स्पॉटिंग एरर्स में ये पूछे जाते हैं। तो आई होप यहां पर आपका ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, नेक्स्ट कुछ वर्ड्स देखते हैं। एक्सेप्ट,
एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट। देखिए एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, इस एक्सेप्ट का मतलब होता है इसको छोड़कर, ठीक है, और एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना। ये जो वर्ड है एक्सेप्ट, इसको हम इंग्लिश में एक वर्ड और है बारिंग, BARRING, बारिंग भी इसको हम बोलते हैं। तो यहां पर देखिए मैं आपको सारे मीनिंग्स बताता हूं। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, एक्सेप्ट का मतलब होता है इसको छोड़कर, और एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना। तो ये इन तीनों में डिफरेंस है। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल सेंटेंसेस, सही और गलत। देखिए ये है सही एग्जाम्पल सेंटेंसेस, ही टीचेस डेली एक्सेप्ट संडे, संडे को छोड़ के वो डेली पढ़ाता है। तो यहाँ पर जो एक्सेप्ट है ये सही है, ग्रीन कलर में जो सेंटेंसेस मैंने दिए हैं वो सही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ही टीचेस डेली एक्सपेक्ट संडे, एक्सेप्ट की जगह एक्सपेक्ट लगा दिया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी कॉमनली पूछे जाते हैं सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में। देखिए आई एक्सपेक्ट ग्रेट सक्सेस, क्या वर्ड आएगा? एक्सेप्ट नहीं आएगा, क्योंकि इसका मतलब होता है इसको छोड़कर, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे ग्रेट सक्सेस मिले, मैं उम्मीद करता हूं, तो यहां पर सही जो वर्ड होगा वो होगा एक्सपेक्ट। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स हम देखते हैं, तीन तीन ये वर्ड हैं। और यहां पर देखिए अडॉप्ट, अडेप्ट, अडेप्ट। इस अडॉप्ट का मतलब होता है किसी को अपनाना, अपना लेना। जैसे बच्चे को हम गोद लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं अडॉप्ट, इसका नाउन फॉर्म जो होगा वो होगा अडॉप्शन। इस अडेप्ट का मतलब होता है वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, अडेप्ट। और इस अडेप्ट का मतलब होता है कार्य कुशल होना, एक्सपर्ट होना। तो यहां पर आप देख सकते हैं अडॉप्ट का मतलब होता है अपनाना, अडेप्ट का मतलब होता है मेल बिठाना, वातावरण के अनुकूल एडजस्ट करना, और ADEPT अडेप्ट का मतलब होता है, ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कार्य कुशल। अब मैं आपको एग्जाम्पल सेंटेंसेस यहां पर बताऊंगा जिसके थ्रू आपको ये सारे वर्ड मीनिंग्स अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। ही इज अडेप्ट एट चेस, वह चेस में एक्सपर्ट है। तो कौन सा वर्ड लगाएंगे यहां पर इन तीनों में से? यहां पर कौन सा वर्ड आएगा इन तीनों में से? यहां पर आएगा अडेप्ट, ये वर्ड यहां पर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। चिल्ड्रन अडॉप्ट इजीली टू न्यू एनवायरनमेंट, नए एनवायरनमेंट से मेल होने की यहां पर बात चल रही है। तो यहां पर सही वर्ड क्या होगा? यहां पर सही वर्ड होगा अडेप्ट। और इस अडेप्ट के बाद हम हमेशा टू प्रपोजिशन का यूज करते हैं, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यहां पर आएगा अडेप्ट। नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स देखते हैं अल्यूड एंड इल्यूड। इस अल्यूड का मतलब होता है इशारा करना, संकेत करना, क्लू देना, जबकि इस इल्यूड का मतलब होता है बचना। तो यहां पर आप देख सकते हैं अल्यूड का मतलब होता है उल्लेख करना, इनडायरेक्टली मेंशन करना, अल्यूड। ठीक है, जबकि इल्यूड का मतलब होता है बचना। तो ये इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है। अब मैं आपको बताता हूं कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस। देखिए यहां पर एक सेंटेंस गलत है, एक सही है। ही अल्यूडेड टू प्रॉब्लम्स विद द न्यू कंप्यूटर, उसने नए कंप्यूटर के साथ जो प्रॉब्लम्स थी उनकी तरफ इशारा किया, उनकी तरफ संकेत दिया। ही अल्यूडेड टू प्रॉब्लम, यानी यहां पर इस अल्यूड के स्थान पर इस इल्यूड को लगाएंगे तो ये सेंटेंस हो जाएगा आपका गलत। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस मैं बताता हूं, द गोल्ड मेडल कंटिन्यूज टू इल्यूड हर, मतलब गोल्ड मेडल उससे बचता रहता है, गोल्ड मेडल उसको नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए ये सेंटेंस बोला गया है द गोल्ड मेडल कंटिन्यू टू इल्यूड हर। इसके स्थान पर हम अल्यूड लगाएंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। अल्यूड का मतलब होता है इशारा करना, संकेत करना, इल्यूड का मतलब होता है बचना। देखिए ये दो वर्ड्स भी काफी कंफ्यूजिंग है, ऑल्टरनेट और ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेट पढ़ेंगे इसको, अल्टरनेट नहीं पढ़ेंगे, इसको हम ऑल्टरनेट पढ़ेंगे, इसको हम ऑल्टरनेटिव पढ़ेंगे। ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक दिन छोड़कर, ठीक है, कोई भी चीज आप एक छोड़ के करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट। इसको एवरी अदर डे भी हम बोलते हैं। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है ऑप्शन, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब मेरे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक दिन छोड़कर। तो यहां पर आप इसका मीनिंग देख सकते हैं, ऑल्टरनेट एक छोड़कर दूसरा, कोई भी चीज, एक दिन नहीं, कोई भी चीज एक छोड़कर उसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट। और ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प, अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा है, इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिव।
अब मैं आपको बताता हूं एग्जाम्पल सेंटेंसेस, ये है एग्जाम्पल सेंटेंसेस। देखिए यहां पर मैंने सही और गलत सेंटेंसेस दिए हैं। ही कम्स हेयर एवरी ऑल्टरनेट डे, यानी ये सेंटेंस सही है, वह यहां पर हर दूसरे दिन आता है। ही कम्स हेयर एवरी ऑल्टरनेट डे। अब इसके स्थान पर यदि आप ऑल्टरनेटिव लगा देंगे तो ये सेंटेंस हो जाएगा आपका गलत। नीचे को सेंटेंस और देखिए, आई हैव नो ऑल्टरनेटिव नाउ, मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये सेंटेंस सही है। इसके स्थान पर यहाँ पर आप ऑल्टरनेट लगा देंगे तो ये सेंटेंस हो जाएगा गलत। तो इस तरीके से ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स है ओरल एंड ओरल। ओरल होता है मौखिक, जो मुंह से बोला जाता है, ओरल, ठीक है। इसका अपोजिट होगा रिटिन। और AURAL ओरल होता है कान से संबंधित या हियरिंग से संबंधित, सुनने से संबंधित, ठीक है। ओरल होता है कान से संबंधित या हियरिंग से संबंधित, ओरल होता है मौखिक, जिसको मुंह से बोला जाए, ठीक है। यहां पर देखिए, अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल सेंटेंस बताता हूं। ये सारे एग्जाम्पल सेंटेंसेस मैंने सही एग्जाम्पल सेंटेंसेस इसमें लिए हैं। ओरल टीचिंग एड्स सच एज सीडीज आर गुड फॉर लर्निंग। सीडी में हम क्या करते हैं, कानों से सुनते हैं सीडी, तो वो ओरल टीचिंग एड्स हुआ, ठीक है। शी डजेंट स्पीक इंग्लिश वेल वट बट हर ओरल कॉम्प्रीहेंशन इज गुड। ओरल कॉम्प्रीहेंशन मतलब सुन के समझना, ठीक है। बोथ ओरल एंड रिटन एग्जामिनेशन आर टेकन फॉर दिस पोस्ट। इस पोस्ट के लिए ओरल एग्जाम भी होता है, रिटन एग्जाम भी होता है। तो ये तीनों ही सेंटेंसेस सही हैं। ओरल का प्रयोग यहां पर सही है, ओरल का प्रयोग यहां पर सही है, और यहां पर ओरल का प्रयोग सही है। इसके स्थान पर यदि यहां पर मैं ओरल लिख दूंगा तो ये गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से काफी इंपॉर्टेंट ये वर्ड्स हैं, सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स देखिए, एवर्स एंड एडवर्स। आई एम एवर्स टू हिम, मतलब मैं उसको लाइक नहीं करता। एवर्स का मतलब होता है किसी व्यक्ति या वस्तु को डिसलाइक करना। एवर्स का मतलब होता है किसी व्यक्ति या वस्तु को नापसंद करना, डिसलाइक करना। एडवर्स का मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं एडवर्स सिचुएशन, मतलब विपरीत परिस्थितियां, उल्टी परिस्थितियां। तो एडवर्स होता है विपरीत, एडवर्स होता है विपरीत, एवर्स होता है डिसलाइक करना, एवर्स, ठीक है। तो यहां पर आप इनका मीनिंग देख सकते हैं। एवर्स का मतलब होता है नापसंद करना, एडवर्स का होता है विपरीत या उल्टा। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस के थ्रू इसको एक्सप्लेन करूंगा। आई एम क्या आएगा यहां पर, देखिए मैंने सेंटेंस दिया है और आपको सेलेक्ट करना है कि क्या आएगा। आई एम एडवर्स, एवर्स, एवर्स के बाद हम टू लगाते हैं, तो यहां पर जो वर्ड आएगा वो आएगा एवर्स। आई एम एवर्स टू लिविंग इन एडवर्स एनवायरमेंट, मतलब मैं एडवर्स एनवायरमेंट में रहना डिसलाइक करता हूं। तो यहां पर आएगा एवर्स और यहां पर आएगा एडवर्स, ठीक है। तो ये मीनिंग जो डिफरेंस है इन दोनों वर्ड्स में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप देख सकते हैं, द मैच हैज बीन कैंसिल्ड बिकॉज ऑफ एडवर्स वेदर कंडीशंस। द मैच हैज बीन कैंसिल्ड बिकॉज ऑफ एवर्स वेदर कंडीशन, कौन सा सही है? तो इसमें फर्स्ट सेंटेंस जो है ये सही है, सेकंड सेंटेंस जो है ये गलत है, ठीक है। एडवर्स वेदर कंडीशन हम बोल सकते हैं, एवर्स वेदर कंडीशन नहीं बोल सकते, क्योंकि एवर्स का मतलब होता है डिसलाइक करना। नेक्स्ट हम देखते हैं अपोजिट और अपोजिट। अपोजिट का मतलब होता है एप्ट या सूटेबल। अपोजिट इसका मतलब होता है एप्ट या सूटेबल, अपोजिट का मतलब होता है विपरीत या आमने सामने, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, अपोजिट का मतलब होता है एप्ट भी इसको हम बोलते हैं, सूटेबल भी इसको हम बोलते हैं, अप्रोप्रिएट भी इसको हम बोलते हैं। अपोजिट का मतलब होता है के सामने या विपरीत। अब देखते हैं यहां पर कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस। इट वॉज एन अपोजिट रिमार्क, तो यहां पर क्या वर्ड आएगा? यहां पर ये वर्ड सही होगा और ये वर्ड गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ही इज लिविंग जस्ट अपोजिट मी, अपोजिट मी, ये वर्ड यहां पर गलत होगा, ये वर्ड यहां पर सही होगा। तो इस तरीके से ये वर्ड्स हैं। अमेंड एंड एमेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। अमेंडमेंट होता है संशोधन करना, किसी चीज को पूरी तरीके से मॉडिफाई करना या बदलना, जबकि एमेंड का मतलब होता है गलतियों को निकालना। जैसे एक लेटर आपने लिखा है या ऐसे लिखा है, उसमें ग्रामर की गलतियां हैं, तो उसको जब आप निकालेंगे तो उसको उस सेंस में हम बोलेंगे एमेंड। और जब आप संशोधन करेंगे, किसी चीज को मॉडिफाई करेंगे, जैसे जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन होते हैं, उसको हम बोलेंगे अमेंड।
तो अमेंड का मतलब होता है संशोधन करना, इमेंड का मतलब होता है अशुद्धियां निकाल देना। अब मैं बताऊंगा आपको एग्जाम्पल सेंटेंसेस, यहां पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल सेंटेंसेस। द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू अलाउ विमेन टू वोट। कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया गया जिसमें विमेन भी, औरतें भी वोट दे सकती है। तो यहां पर कौन सा वर्ड सही होगा? ये वर्ड यहां पर सही होगा और ये वर्ड यहां पर गलत होगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। द फर्स्ट प्रिंट आउट क्विकली रिवील्ड दैट आर कंप्यूटर प्रोग्राम नीडेड टू बी एमेंडेड। कंप्यूटर प्रोग्राम में क्या हो सकता है? गलतियां हो सकती हैं ग्रामर की, टेक्स्ट की। एक ही जगह ई आ गया, ई की जगह सी आ गया, तो यहां पर सही वर्ड होगा एमेंडेड, क्योंकि गलतियां निकालने की हम बात कर रहे हैं यहां पर। आई होप आपको अच्छे तरीके से ये पूरा एक्सप्रेशन समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वर्ड्स हैं। यदि ये वीडियो क्लास आपको अच्छी लगी तो इसको आप लाइक करें, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो क्लास में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।